नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे हैं विजय निर्देश। आज हम लोग पहुँचे हैं भोजपुर जिला के फरहदा गाँव में और आइए भावी मुखिया प्रत्याशी राजेश जी से कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी बिल्कुल। आप बताइए कि आगामी चुनाव में आप मुखिया के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं, आप अपने पंचायत के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम आप मीडिया बंधु को धन्यवाद दिल से देना चाहते हैं कि आप इतना मेहनत करके इस मौसम में हमारे पास पहुँचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुखिया प्रत्याशी होने का कारण है कि हम शुरू से समाज सेवी रहे हैं, समाज के लिए कुछ काम किए हैं और जो अपना अभी तक बहुमूल्य समय है उसको हम समाज में, जनता के बीच में गंवाए हैं। अच्छा राजेश जी, आप ये बताइए कि पहले कुछ ऐसा काम किए हैं जो आप जनता को बताना चाहें? जी जी, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण काम? सबसे पहला काम है कि हम 2009 या 10 में जो पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें समिति पद से हम चुनाव लड़े थे। जी जी। उस समय मेरा उम्र जो था बहुत छोटा, मतलब बहुत कम उम्र था और अधिकांश लोग हमारे पंचायत में हमको पहचानते नहीं थे। फिर भी हम चुनाव लड़ने के लिए हमारे दिल में था कि हम चुनाव लड़े और समाज का कुछ सेवा करें। हम चुनाव लड़े तो हमको लग रहा है कि हम तीसरे नंबर पर गए। उस समय में गांव में हमको बहुत कोई पहचानता नहीं था। अच्छा, कम उम्र होने के कारण? हाँ, कम उम्र होने के कारण। और जो बचपन था वो झारखंड में बीता मेरा। जी। अचानक गांव आए या गांव आकर समिति का चुनाव लड़ गए। समिति का चुनाव लड़ने के बाद फिर जब पाँच बरिस के बाद फिर पंचायत चुनाव आया तो हमको लगा कि शायद सीट जो है हमारा अति पिछड़ा सीट है, तो इसलिए हम जिला परिषद का चुनाव लड़ गए। अच्छा। जिला परिषद में हम बहुत ही अच्छा मेरा रोल रहा, जनता का बहुत भरपूर समर्थन रहा जिसके चलते हम दूसरे नंबर पर रहे जी। अच्छा राजेश जी, आप ये बताइए कि सुनने में आया है कि आप समाजसेवी हैं और महिला सशक्तिकरण को आप काफ़ी ज़्यादा महत्व देते हैं और जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं कि महिला हर क्षेत्र में एक अलग स्थान बना रही हैं, पुरुष से बिल्कुल कम नहीं है। जी जी। और इस क्षेत्र में भी आप चाह रहे हैं कि महिला के लिए कुछ इस ऐसे बस्ती को, मतलब जो ही बहुत पिछड़ा है, जी जी। ऐसे जगह में सुन रहे हैं कि आप फार्मेसी कॉलेज के लिए वो कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये फार्मेसी कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है हमारे गांव में, इसमें हम बहुत पिछले 8-9 साल से बहुत कड़ा मेहनत कर रहे थे। सबसे बड़ा जो बात है कि देहात में ज़मीन एक्वायर करना बहुत बड़ी बात है। जी जी। और ये जो ज़मीन हम एक्वायर किए, ये ज़मीन हम अपने दूसरे मतलब से ये एक्वायर किए थे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए हमारे समाज में जो लोग भी समाज में हैं, चाहे जो भी महिलाओं का विकास हो, हाँ महिलाओं का विकास हो या जो नयुक्त संघ है उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। तो ये जो ANM JNM ए फार्मा बी फार्मा डी फार्मा का जो फार्मेसी कॉलेज है, कॉलेज हमारे क्षेत्र में हम खुलवा रहे हैं, उसमें हमको ये आया कि हमारे गांव में जो बेरोजगार लड़का लोग पढ़ रहा है या लड़की लोग बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती है, तो हमारे मन में विचार आया कि अगर हम इसमें अगर फार्मेसी कॉलेज बनवाते हैं तो हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा और क्षेत्र का विकास होगा। इसी कारणवश से हम इस काम को निर्माण में बहुत कड़ा मेहनत किए और हमारे माननीय डायरेक्टर श्री LT तिवारी जी के सहयोग से और हम पर भरोसा किए, उसी कारण से ये LT कॉलेज और फार्मेसी का निर्माण कार्य हो रहा है। जी धन्यवाद। अभी हम लोग देख रहे थे राजेश कुमार जी को और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी विकास का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ महिला के विकास के लिए बहुत सारे योजनाओं को ये अपने स्तर से कर रहे हैं। बहुत अच्छा समाज के प्रति इनका पकड़ है और ये अपने जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस बार के चुनाव में हमें बहुमूल्य वोटों से विजय बनाएं ताकि जो भी कार्य अधूरा रह चुका है उसको हम मुखिया के रूप में आएँ और उसको पूर्ण करें। इसी के साथ इनसे जो खास बातचीत हुई उसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। कैमरामैन आदर्श कुमार के साथ मैं ओमकार पांडे और आप देख रहे थे विजय निर्देश।